The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे टेस्ट्स, कंप्लीट ब्लड काउंट और बाकी हीमोग्लोबिन और ऐसे सारे टेस्टों के वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि टेस्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और एबनॉर्मल रिजल्ट आने का क्या मतलब होता है। आप लोगों ने उसमें, कई लोगों ने डिमांड करी कि सर नॉर्मल रिजल्ट के बारे में भी बताइए, तो इसलिए ये एक वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें हम CBC में होने वाले जितने मोस्ट कॉमन टेस्ट होते हैं उनके मेजरली नॉर्मल रिजल्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। उसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ब्लड काउंट्स हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉमन मेजरमेंट्स हैं, जो कि ज़्यादातर केसेस में थोड़े बहुत चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस लैब ने किस तरीके का रिएजेंट, किस तरीके का टेस्ट मेथड यूज़ किया है। तो इसलिए उस पर्टिकुलर लैब के रेफरेंस रेंज से आप अपने रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, ना कि इन नॉर्मल रिजल्ट से। बट बहरहाल नॉर्मल रिजल्ट्स का एवरेज स्लाइटली चेंज होता है, तो मोटा मोटा तो इतना ही रहेगा। सो ब्लड काउंट और एक चीज़ से बदलता है, वो है आपके एल्टीट्यूड से। आप कितना ऊपर हैं हाइट में, कितने नीचे हैं, आपके जो एल्टीट्यूड मैटर करता है, समुद्र की लेवल से पहाड़ों पे रहते हैं, नीचे ज़मीन पे रहते हैं, वो उस चीज़ से थोड़ा बहुत और आपका ब्लड सेल काउंट्स बदलते हैं। इसीलिए अपने रिजल्ट के लिए, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर के पास जाके बात करनी चाहिए, ठीक। सो सबसे पहले, सबसे बड़ी चीज़ जो आप देखते हैं CBC के अंदर, वो देखते हैं आप हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन आपके शरीर में वो अर्क है जो रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन लेके आपके शरीर के हर पार्ट में पहुंचाता है। सो हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेल्स में, आदमियों में 13.8 से 17.2 तक रह सकता है, 13.8 से 17.2 तक रह सकता है। याद रखिए, ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन लैब टू लैब। फीमेल्स में ये 12.1 से लेके 15.1 तक रह सकता है। यह है हम ग्राम्स पर डीएल वाली मेजरमेंट्स से देख रहे हैं। कई बार मेजरमेंट स्केल ही बदल दी जाती है, तो इसलिए उसमें फिर अलग वैल्यूज आती है, राइट। वो लैब टू लैब वेरी करती है। सो हीमोग्लोबिन इतना रहता है, राइट। आप चार्ट भी देख रहे होंगे, चार्ट भी आपको दे देंगे। साथ में हीमोग्लोबिन रहता है रेड ब्लड सेल्स में, तो रेड ब्लड सेल्स का काउंट देखा जाता है। रेड ब्लड सेल्स मेल्स में 4.7 से लेके 6.1 मिलियन सेल्स पर MCL देखी जाती है, और फीमेल्स में 4.2 टू 5.4 मिलियन सेल्स पर MCL देखे जाते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स में और भी कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं कि MCV क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर कितना वॉल्यूम है वो देखा जाता है। वॉल्यूम में 80 to 95 का वॉल्यूम देखा जाता है। और दूसरा MCH क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मतलब आपके उस वॉल्यूम के अंदर कितना हीमोग्लोबिन टोटल, उस एक एक सेल के अंदर कितना, एक सेल में एवरेज कितना हीमोग्लोबिन है। एक सेल में एवरेज देखा जाए तो 27 से लेके 31 PG पर सेल, राइट। PG पर सेल ही उसका यूनिट है, तो 27 to 31। अब यूनिट्स के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप अपना नॉर्मल रेंज अपने लैब के रेंज से कंपेयर ज़रूर करेंगे। फिर आता है MCHC। MCHC है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उस वॉल्यूम के अंदर उस पूरा टोटल हीमोग्लोबिन इतना है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पर DL पर डेसीलीटर कितना हुआ। पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 32 से लेके 36 ग्राम्स तक, 32 टू 36 ग्राम्स पर डेसीलीटर। यह हुआ हीमोग्लोबिन के और RBCs के। फिर आएगा WBC। WBC इज वाइट ब्लड सेल्स TLC काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो हम देखते हैं वो आते हैं 4,500 से लेके 10,000 सेल्स पर MCL, राइट। सो वो माइक्रोलीटर हो गया, है ना, पर माइक्रोलीटर। उसके बाद में बात आएगी बाकी डिफरेंशियल काउंट। डिफरेंशियल काउंट्स का अपना वेरिएशन लिमिट्स है, वो आप उस लैब से चेक कर सकते हैं, राइट। उसमें अलग अलग आते हैं, राइट।
कई बार 60-70% आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फिर उसके ज़्यादा 30-40% आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, फिर उसके 1% के नीचे इओसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, और बाकी दूसरे 1-3% ऐसे बहुत कम मात्रा में होते हैं मोटे मोटे। ये इंटरप्रिटेशन लैब टू लैब वेरी करता है। फिर प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट मिनिमम 1,500 1.5 लाख से लेके आपका 4.5 लाख तक पर डेसीलीटर जा सकता है। ये 1.5-4.5 लाख का लेवल है, लिमिट है, उसको भी लैब टू लैब वेरी कर सकता है। आप अपनी लैब के नॉर्मल रेंज से इसे कंपेयर ज़रूर करेंगे। याद रखिए, अब नॉर्मल रिजल्ट इंटरप्रिटेशन अपने आप में बड़ी बात होती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका ब्लड टेस्ट में ऊपर नीचे आया, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वो क्यों हुआ, उसका कारण जानना, उसका कारण समझना, उसके लिए ही ये सीरीज़ है। तो सीरीज़ पूरी देखिए। अगर आपके कोई वैल्यू हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, MCH, MCHC, WBC, प्लेटलेट ये कोई ऊपर नीचे है, तो उसके लिए हमारे वीडियो को ढूंढिए। ढूंढने का तरीका बहुत आसान है, आपको हीमोग्लोबिन का वीडियो ढूंढना है तो हीमोग्लोबिन बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करिए यूट्यूब पे। प्लेटलेट का ढूंढना है प्लेटलेट बाय डॉक्टर एजुकेशन, लिवर का ढूंढना है लिवर बाय डॉक्टर, गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर बाय डॉक्टर एजुकेशन, आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।